शाह सूरजकुंड में करेंगे राज्यों के गृह मंत्री के साथ बैठक। देश की आंतरिक सुरक्षा का रोडमैप होगा तैयार। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 2 दिवसीय चिंतन शिविर होने जा रहा है। सूरजकुंड में होने वाले इस चिंतन शिविर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 27 और 28 जुलाई को होने वाले चिंतन शिविर में अगले 25 सालों में देश की आंतरिक सुरक्षा की रोडमैप को लेकर चर्चा होगी। 27 और 28 अक्टूबर को होने वाले चिंतन शिविर में अगले 25 सालों में देश की आंतरिक सुरक्षा की रोडमैप को लेकर चर्चा होगी। फरीदाबाद में पीएम मोदी करेंगे चिंतन शिविर को संबोधित। पहली बार हो रहे इस चिंतन शिविर के आखिरी दिन यानी कि 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्रियों को संबोधित भी करेंगे। इस बैठक में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ साथ पुलिस महानिदेशक और संघ शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल व प्रशासक भी मौजूद रहेंगे। महिला सुरक्षा पर होगा जोर। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बैठक में सबसे अधिक जोर महिला सुरक्षा को लेकर होगा। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में नारी शक्ति की अहम भूमिका होगी। इसके लिए उन्हें सुरक्षित वातावरण मुहैया कराना जरूरी है। पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाने और महिला थानों के गठन जैसी कई उपाय किए गए। महिलाओं को पूरे देश में और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। राज्यों में इसके लिए कार्य योजना बनाकर समयबद्ध तरीके से लागू की जरूरत है। राज्यों में कानून व्यवस्था को लेकर महिलाओं की भूमिका अहम। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चिंतन शिविर का उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा के लिए विजन 2047 और प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लिए 5 प्रण के क्रियान्वयन की कार्य योजना तैयार करना है। इन चुनौतियों पर भी होगी चर्चा।